कहाँ काम से बच्चे हैं बच्चे? गाड़ी नंबर कहाँ है? ना गाड़ी एक बार बंद करो, गाड़ी बंद करो, गाड़ी नंबर पीछे हो गया, मुझे गाड़ी बंद करो, गाड़ी बंद करो। चालू है ना, गाड़ी बंद करो। नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी, वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ट्रॉली में भरा हुआ वो मिट्टी जिसको कहते हैं खनन, रात के अंधेरे में ये मामला सुजौली का बताया जा रहा, गुलहरिया जंगल का बताया जा रहा है। इसमें जो दोषी हैं उनका भी नाम बताया जा रहा है, उनके नाम को भी उजागर ये पहली बार चैनल कर रहा है। आपको बता दूं कि वहां के डीएम से लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों के नाक के तले ये रात और दिन ये काम चलता है, लेकिन फिर भी लापरवाही ऐसी की जाती है कि जिसके हालात बदते बदतर होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि नदी के बहाव और कटाव की वजह से जाने कितने किसान, जाने कितने ग्रामवासी वहां परेशान हैं इन खनन माफियाओं से, लेकिन इस पर किसी भी तरह से रोक नहीं लगाई जाती है। यहां तक भी स्थानीय निवासी लोगों का कहना है कि इनके खनन माफियाओं के द्वारा कुछ पैसा ऊपर के अधिकारियों के पास पहुंचाया जाता है। आपको बता दें कि हमारा रिपोर्टर अशोक कुमार जब मौके पर मौजूद, समय पर वहां पर पहुंचा, रोकने का कार्य किया, तो वहां पर डरे और सहमे हुए लोग दिखाई दिए और ड्राइवर बात करने से कतरा रहा था, आखिर जवाब नहीं दे रहा था। यह इकलौता वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया ऐसे मुद्दे पर हाथ डाल रहा जिसमें कभी भी कुछ भी किसी भी तरह से घटना घटित हो सकती है, लेकिन आप सामने देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से रात के अंधेरे में इस तरह से खनन किया जाता है जिससे कई किसानों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि गांव के जो लोग हैं वो वाकई में इतना परेशान हैं, क्योंकि बीच में एक बार मीटिंग के दौरान ये पता चला था कि नदी के बहाव और कटाव की वजह से जाने कितने लोगों के घर मकान तक डूब गए थे, जिसमें सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी इस वहां पर सुविधा नहीं दी गई जिससे उनको सेफ्टी महसूस हो सके। आपको देखिए, देखते रहिए हमारे साथ ऐसी ही ताकत भरी बड़ी खबरों के साथ। इकलौता एक ऐसा चैनल जो हमेशा जमीन का सच दिखाता है। अशोक कुमार जी ने बिना डरे हुए वहां पर जाकर के इसका वीडियो बनाया, लेकिन देखिए गाड़ी का नंबर भी नहीं है। जरा सोचो, माफिया ऐसे काम करते हैं कि गाड़ी का नंबर तक भी नहीं लगाया है ताकि रात के समय में कोई गाड़ी अगर रोकी भी जाती है तो किसी भी तरह से यह ना पता चल सके कि आखिर यह गाड़ी किसकी है। आपको मैं नाम बता दे रहा हूं कि आखिर उसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित रहे। ये स्थान जंगल गुलहरिया सुजौली बहराइच में अवैध खनन माफिया नाम मोहन पुत्र स्वामी नाथ बताया जा रहा है। मंगरू पुत्र चुन्ना चहलवा सुजौली बहराइच, ये नाम बताए गए हैं। अब इसकी क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये शासन और प्रशासन का कार्य है, लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन के नीचे इस तरीके से कार्य किया जा रहा है। वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया, अनु त्रिपाठी।